जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भू अभिलेख पोर्टल के बारे में और रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और नक्शा कैसे देखते हैं। जैसे कि भू अभिलेख वो चीज़ है कि उससे आप के वाला कॉपी निकल सकते हैं, लगभग ढेर सारा चीज़ उसमें है। जैसे आईडी आप क्रिएट करने के बाद है, आप उसको देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें फैसिलिटी है। तो चलते हैं गूगल क्रोम की ओर। तो इसमें टाइप करेंगे भू अभिलेख बिहार। तो भू अभिलेख बिहार हम टाइप कर दिए। टाइप करने के बाद दूसरा नंबर पे आ गया भू अभिलेख पोर्टल डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस यहाँ पर आ गया का पब्लिक लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन। तो हमको पब्लिक लॉगिन करना है। तो जैसे यहाँ लॉगिन पर क्लिक किए, उसके बाद मेरा आईडी अगर बना हुआ है तो लॉगिन कर लेंगे। देना था हमको न्यू यूजर में क्लिक करना है। तो हमको नया आईडी एक क्रिएट करना है। तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर साइन अप, तो यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देंगे हम जो आईडी क्रिएट करने के लिए। देखिए सब भी में क्लिक करेंगे तो ओटीपी सेंड सक्सेसफुल, जो मेरा मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। हम उस ओटीपी को इसमें फिलअप कर देंगे। तो एक मिनट दोस्तों, हम ओटीपी को ढूंढ रहे हैं। देखें बस चलो, तो इस यहाँ पर हम ओटीपी डाल रहे हैं। ओटीपी डाल दें, उसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। तो यहाँ मांगा जा रहा है फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, दोनों हम डाल दिए। ईमेल आईडी डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कंपलसरी आप कमर जी। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी लिखेंगे। या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक कर देंगे। एक मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ चुका है, हम उसको देखेंगे। ये आ गया, ये मेरा ऊपर वाला यूजर आईडी, उसके नीचे वाला पासवर्ड है। ये टेम्प्ररी पासवर्ड है। हम चलते हैं आगे से अगला वाला पेज में। यहाँ पर यूजर आईडी डाल दिए, मोबाइल नंबर, उसके नीचे पासवर्ड हम डाल दिए जो आया हुआ है। उसके बाद लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। देखिए सेंड ओटीपी जो मेरा मोबाइल पर आ चुका है, उस ओटीपी को हम इसमें फिलअप करेंगे। फेंड लॉगिन अटेम्प्ट तो प्लीज़ चेंज, मतलब ये टेम्प्रेरी पासवर्ड है। उसको डालने के बाद अब हम अपना पासवर्ड बनाएंगे। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे जो कैपिटल में होना चाहिए, कैरेक्टर में होना चाहिए और स्मॉल में होना चाहिए, एक नंबर में होना चाहिए। तो डिस्प्ले पर हम शो करा देंगे। इसी टाइप का एक पासवर्ड बना लेना है। तो इसको सबमिट किए, उसके बाद आ जाता है लॉगिन। तो एक ड्राफ्ट लॉगिन, एक पब्लिक लॉगिन। तो हमको पब्लिक लॉगिन में करना है। और मेरा मोबाइल नंबर रहेगा, यूजर आईडी
और जो हम पासवर्ड बनाए नीचे पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर हमको क्लिक करना है। तो ये मेरा सक्सेसफुल हो गया। सक्सेसफुल आने के बाद उसके बाद एक फिर से OTP भेजा जाएगा। तो आ गया मेरा मोबाइल पर OTP, तो हम उस OTP के इसमें फिलअप करते हैं। फिलअप करने के बाद सबमिट में करते हैं। पासवर्ड आ जाते हैं अगला पेज में। जैसे यहाँ आ गए राजस्व भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय बिहार, इसमें हम आ गए। उसके बाद वहाँ जो है कि मेरा ID, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स टाइप में हम क्लिक करेंगे। इसमें ढेर सारा ऑप्शन है, तो हमको मैप में क्लिक करना है। मैप में क्लिक करने के बाद मैप में हम क्लिक कर दिए। उसके बाद एरिबनो थाना यहाँ शो कर रहा है, मौजा नाम यहाँ शो कर रहा है, और जो है कि थोड़ा सर्वर स्लो है। उसके बाद रूरल जो है ग्रामीण क्षेत्र से आता है, अर्बन शहरी क्षेत्र से, तो हम रूरल यहाँ पर टाइप करेंगे। तो हम क्लिक करते हैं रूरल। उसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट नेम में अपना डिस्ट्रिक्ट चुनेंगे। तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करते हैं। उसके बाद रेवेन्यू थाना यहाँ पर कटिहार जो है उसको हम सेलेक्ट करेंगे अपना। उसके बाद मौजा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ढेर सारा मौजा है, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा। तो देखते हैं कहाँ पर है मेरा मौजा। तो फाइनली मिल गया हमको मेरा मौजा। उसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने के बाद आ गया सर्वे टाइप सीट नंबर, तो हमको सीट नंबर पर क्लिक करना है। तो हम सीट नंबर पर क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम ले रहा है। तो फाइनली मेरा आ गया है मौजा का नक्शा। तो इस नक्शा में मेरा कहाँ पर ज़मीन है हम मौजा के माध्यम से हम देख सकते हैं। और इसको प्रिंट करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट्स में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा पेज आ गया है एप्लीकेशन फॉर मैप डिजिटल कॉपी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉफ्ट कॉपी फिजिकल कॉपी विद डिजिटल सिग्नेचर विदाउट डिजिटल सिग्नेचर। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट 10 रुपया, फी 15 रुपया, 25 रुपया लगभग हमको पे करना होगा। तो हमको सेंड करते हैं इसको। सेंड में क्लिक किए। उसके बाद आ गया अगला पेज, इसमें दिखा रहा 25 रुपया पेमेंट करना होगा। और इसमें मैक पेमेंट पर क्लिक करके हम देखते हैं। तो मैक पेमेंट में क्लिक करने के बाद अगला पेज आया पे विद। तो पे विद में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसमें है HDFC क्रेडिट कार्ड, HDFC डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इनफेड। तो इसमें क्लिक करने के बाद आ गया है भीम, फ़ोनपे, पेटीएम, इसमें ढेर सारा। तो पेमेंट करने के लिए टेंशन नहीं है, और उसके नीचे भी नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो पेमेंट इजीली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, काहे कि फ़ोन पे सब कोई चलाता है, फ़ोन पे से भी कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें।